हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल गिव फंक्शनैलिटी टू आर स्पीड बटन। सो सबसे पहले मैं अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ एंड आपको उस फीचर के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट्स से प्ले एनी वीडियो एंड मैं एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर रहा हूँ एंड इफ़ आई क्लिक ऑन दिस स्पीड देन यहाँ पे स्पीड का एक बटन शो कर रहा है एंड अगर मैं किसी माइनस या प्लस पे क्लिक करता हूँ, लेट्स से प्लस, सो स्पीड इंक्रीज हो रही है। एक्चुअल में वीडियो ज़्यादा फास्ट प्ले हो रहा है, आपको उतना शो नहीं हो रहा होगा। एंड इफ़ आई क्लिक ऑन ओके एंड अगर मैं प्रोग्रेस बार देखता हूँ तो आप देखोगे टाइम काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है, विच मीन्स वीडियो की स्पीड इंक्रीज हो चुकी है। सो इन दिस वीडियो हम जो है हमारे स्पीड डायलॉग के लेआउट को डिज़ाइन करेंगे, एक माइनस बटन, एक टेक्स्ट व्यू एंड एक प्लस बटन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गिव फंक्शनैलिटी टू इट। सो लेट जस्ट स्टार्ट। सो सबसे पहले हमारे स्पीड बटन को एक आईडी प्रोवाइड करते हैं। सो आईडी एंड सिंपली स्पीड बटन एंड आफ्टर दैट हमारे स्पीड डायलॉग के लिए एक हमें डायलॉग क्रिएट करना पड़ेगा। सो सिंपली क्लिक ऑन प्रोजेक्ट एंड दिस रिसोर्सेस, जस्ट राइट क्लिक ऑन लेआउट, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल एंड जस्ट गिव एनी नेम टू इट। So I am naming it as speed_dialog and change this constraint layout to linear layout and इससे हमारा काम हो जाएगा and just click on OK and split tag। अब इस dialog के अंदर हमें remaining work करना है, so first change this orientation to horizontal and this height to wrap content। एंड इस डायलॉग के अंदर सबसे पहले हमें एक इमेज बटन चाहिए जो माइनस शो करेगा एंड आफ्टर दैट एक टेक्स्ट व्यू चाहिए जिसके अंदर स्पीड शो होगी एंड आफ्टर दैट हमें एक प्लस बटन चाहिए। सो सबसे पहले उन आइकन्स को इंपोर्ट कर लेते। सो जस्ट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट ऐप न्यू वेक्टर असेट एंड जस्ट सर्च ऐड हियर दिस फर्स्ट वन एंड ओके एंड प्लस अंडरस्कोर आइकन, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, फिनिश एंड एक और आइकन हमें चाहिए। सो जस्ट क्लिक ऑन न्यू वेक्टर असेट एंड दिस टाइम हॉरिजॉन्टल, दिस वन हॉरिजॉन्टल रूल। सो ये हमारे लिए माइनस के आइकन का वर्क करेगी। सो माइनस अंडरस्कोर आइकन एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। सो हमारे आइकन्स इम्पोर्ट हो चुकी है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक इमेज बटन। सो इमेज, सो आई एम यूजिंग ऐप कॉम्पैक्ट इमेज बटन एंड विड्थ टू 0 dp एंड हाइट टू 60 dp एंड लेआउट वेट टू 1, विच मीन्स जितने भी अवेलेबल स्पेस है जस्ट कवर इट एंड आफ्टर दैट बैकग्राउंड ?? attr सिलेक्टेबल आइटम बैकग्राउंड बिकॉज वैन यूजर क्लिक ऑन इट आई वॉन्ट टू शो सम इफेक्ट्स एंड two more attributes, clickable to true and focusable to true। okay, so ये जो तीन attributes है simply हमारे button के लिए एक background effect set करेंगे and उसके बाद मैं इसकी icon भी set करना चाहता हूँ। so icon या src and which is minus icon and after that tint and I want this icon to be white and you will see nothing is visible here। so यहाँ से मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ एंड आपको एक माइनस सिंबल यहाँ शो करेगा। सो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इट्स शोइंग हियर एंड जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट बिलो एंड दिस टाइम इंस्टेड ऑफ माइनस यूज प्लस आइकन। सो एक प्लस का सिंबल भी शो कर रहा है एंड उसके बाद हमें बीच में एक टेक्स्ट व्यू चाहिए। सो सिंपली टेक्स्ट व्यू एंड विड टू 0 dp अगेन एंड हाइट टू 60 dp एंड उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट भी चाहिए हमें इसका। सो टेक्स्ट एंड सिंपली स्पीड एंड लेआउट वेट विच इज 1 एंड टेक्स्ट भी शो कर रहे हैं। आई वॉन्ट दिस टेक्स्ट टू इन सेंटर, सो ग्रेविटी सेंटर एंड मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट भी थोड़ा सा बड़ा दिखे। सो टेक्स्ट साइज एंड 18 sp and I want this text view to be bold, so text style and simply bold
and after that text color to white. So our design is ready. Now let's set this speed dialog into our player activity. So just move to player activity, and inside initialize binding हमने सारे works किए. So and यहाँ audio booster के नीचे हम लोग work करेंगे. So binding mf dot speed button dot set on click listener, and यहाँ से मैं कुछ codes copy कर रहा हूँ. So just copy these codes and just paste it down. And यहाँ पे custom dialog B की जगह पे I am using S for speed, and यहाँ पे R dot layout dot speed dialog जो हमने just अभी बनाया है, and यहाँ पे just S speed binding, and यहाँ पे again S, and here two, और यहाँ पे भी. And मैं इसे cancelable नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जब ओके क्लिक हो तभी कैंसिल होना चाहिए. सो डॉट सेट कैंसिलेबल टू फॉल्स, एंड उसके बाद जस्ट रिमूव दिस कोड्स फ्रॉम हियर, एंड डायलॉग एस डॉट शो, एंड दिस विल शो आर डायलॉग. सो नाउ लेट्स रन द एप्लीकेशन एंड चेक वेदर आर डायलॉग इज शोइंग प्रॉपरली और नॉट. सो फाइनली ग्रेडल इज बिल्ड एंड ऐप इज इंस्टॉल्ड. सो नाउ लेट्स प्ले एनी वीडियो and just click on this application button, and इसमें speed dialog को click करते हैं, and application crash हो जाती है. Now why application is crashing? So मैं lock catch check करने का try कर रहा हूँ, and just move above. Let's see, शायद हमें कुछ पता चल जाए application क्यों crash हो रही है. And यहाँ पे कोई error messages नहीं है जो मैं चाहता हूँ. सो यहाँ पे कोई प्रोसेस भी शो नहीं हो रही. सो मैं डिलीट करता हूँ इन सारे एरर मैसेजेस को, एंड मैं सारे स्टेप्स एक बार फिर से रिपीट करूँगा मेरी एप्लीकेशन को रन करके, एंड बैकग्राउंड में मैं स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ. सो एप्लीकेशन क्रैश होती है, एंड यहाँ पे डेड करके कुछ समथिंग शो ने. सो जस्ट सिलेक्ट दैट डेड वन, सो दिस वन, एंड यहाँ पे मुझे एरर्स दिख रही है. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस. सो इनके हिसाब से यहाँ पे एरर है. ओके, एक्चुअली वहाँ पे बूस्टर बाइंडिंग की जगह पे होना चाहिए स्पीड डायलॉग बाइंडिंग. हमने जस्ट कोड्स ऊपर से कॉपी किए थे, डैट्स वाई हमने इसे नेग्लेक्ट कर दिया. सो जस्ट ऐड स्पीड डायलॉग, एंड ये मुझे कोई सजेशन शो. ओके, इट्स शोइंग. सो नाउ लेट्स रन द एप्लीकेशन एंड चेक, एंड यहाँ पे एरर दिखा रहे, बट डैट्स ऑल राइट, इट विल वर्क परफेक्टली फाइन. सो ऐप इज इंस्टॉल्ड, एंड लेट्स प्ले एनी वीडियो. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस एप्लीकेशन बटन, एंड अगेन स्पीड डायलॉग. सो इस बार स्पीड डायलॉग शो हो रहा है, एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस बटन्स दे आर ऑल्सो वर्किंग. And if I click on OK, then video is playing, which means hamara speed dialog design ho chuka, and in the next video we will give functionality to our speed dialog. So I hope you enjoyed the video. Thank you for watching, and bye bye.